أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما وحده من كيفه ولا حقيقته أصاب من مثله ولا إياه عنا من شبهه ولا صمده من أشار إليه كل معروف بنفسه مصنوع وكل قائم في سواه معلول بتشعيره المشاعر عرف عن لا مشعر له وبمزادة بين الأمور عرف عن لا ضد له وبمقارنة بين الأشياء عرف عن لا قرين له زاد النور بالظلمة والوضوح بالبهمة جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأزاليل أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم آل عمران کی اس آیت پر مسلسل آٹھ تقریریں آپ سماعت فرما چکے ہیں. یہ سلسلے کی نویں اور آخری تقریر ہے جہاں ہم کو حزب وعدہ اس فریضے کو بھی ادا کرنا ہے کہ جو کچھ کہا گیا مختصر الفاظ میں اس کو ایک جگہ کیا جائے اور پھر کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کی جائے. سب سے پہلے جو امر قابل غور ہے وہ یہ کہ ملت کا گراں بہا اور سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے، وہ اخلاقی اعتبار سے ہو یا سیاسی اعتبار سے، وہ سرمایہ عقیدہ توحید ہے. یعنی اگر ملت مسلمہ توحید کے اطلاق اور اس کے انطباق کو پیش نظر رکھے کہ کس طرح سے اس کو اپلائی کیا جائے، اس کا اپلیکیشن کیا ہو، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ وحدہ لا شریک تو قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، مگر جس دور میں ہم ہیں وہاں اس عقیدہ توحید سے وحدت فکر پیدا ہوگی اور وحدت افکار سے وحدت کردار آئے گی. ملت
मुत्तहिद हो ली। मिल्लत में इत्तेहाद यकीनन देरपा होगा अगर अकीदे तौहीद का मिल्लत पर सही तरीके से इतलाक हो जाए, अप्लाई हो जाए। किस्सा यह है कि तौहीद मुंतबिक हो, अप्लाई हो, तो वहदत अफकार भी है, वहदत किरदार भी। लेकिन तौहीद ही में यह अकीदा भी लाजिम है कि उस एक ने वहदहूला शरीक ने जो आयने कुदरत है, आयने हयात है, आयने इल्म है, कभी नहीं चाहा कि उसकी मखलूक बगैर हादी के रहे। नारे चलवा कभी नहीं चाहा कि अल्लाह की ये मखलूक जो हयात अकली रखती है बगैर किसी राहबर के रहे। इसलिए हल्लाल मुश्किलात ने खुतबा देते हुए कहा, लम युक्ल सुभानहु खल्कहु मिन नबीजिन मुरसल औ किताबिन मुंजल औ हुज्जतिन लाज़िमा औ महज्जतिन क़ायमा रुसलुन ला तुकस्सिरु बिहिम क़िल्लतु अददिहिम वला कसरतिल मुकज़्ज़बीन अलैहिम। अल्लाह ने कभी किसी दौर को अपनी हुज्जत से खाली नहीं रखा। रसूल पर रसूल भेजे, नबी पर नबी भेजे, रसूलों का अकलियत में रहना रसूलों को नुकसान न पहुंचा सका और रसूलों पर झूठ बोलने वालों की अक्सरियत रसूलों को नुकसान न पहुंचा सकी। ला तुकस्सिरु बिहिम क़िल्लत अददिहिम वला कसरतुल मुकज़्ज़बीन अलैहिम, न उन पर झूठ बोलने वालों की कसरत उनको नुकसान पहुंचा सकी। अला ज़ालिक नुसलतिल क़ुरून व मनातिद दहूर व सलफतिल आबा व क़लफतिल अबना, यहां तक के दहर के बाद दहर और असर के बाद असर, इसी तरह से जमाने गुजरते गए और बुजुर्गों ने अपने आने वालों के लिए पैगाम छोड़ा और आने वालों ने बुजुर्गों से मीरास पाई। इला अन बाज़ल्लाहु सुभानहु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिह, यहां तक के खुदावंद अली आला ने अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफा को भेजा ले इंजाज इदत ही वले इत्माम नबुवत ही, ताकि उसके फैसले का वक्त आखिर आए, ताकि नबुवत खत्म हो जाए, ताकि उसका वादा पूरा हो जाए। ले इंजाज इदत ही व इत्माम नबुवत ही माकूजन अलन नबीजीन मीसाकहु करीमन मीलादहु मशहूरतन सिमातहु, उसकी निशानियां मशहूर थी, उसकी मीलाद और मुकर्रम और फिर अंबिया से उसके मीसाक को ले लिया गया था। वो आया और इस तरह से आया कि अखरजहु मिन अफजलिल मआदिन मंबता वो आजिल उरूमा के मगरसा, उसको किसी मामूली घराने से नहीं लिया, उसको किसी मामूली मादिन से नहीं लिया, बल्कि बेहतरीन मादिन से इस गौहर नायाब को उठाया और बेहतरीन तरीके से इस शजर की आप यारी हुई। अखरजहू मिन अफजल मादिन मंबताओ वो आजिन उरूमाते मगरसाओ शजरतहू खैरुश शजर, शजरतहू खैरुश शजर, इत्रतहू खैरुल इतर, नबतत फी हरमिन व बसकत फी हराम, इसका दरख्त बेहतरीन दरख्त था, इसकी इतरत बेहतरीन इतरत थी, यह दरख्त हरम में लगा, हरम में फूला और फला और करम इलाही के साए में परवान चढ़ा।
سنته الرجل كلامه الفاصل حکمه العادل. اس کی سنتیں اس میں فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں, اس کے کلام میں عادل ہے, اس کا حکم فیصلہ کن ہے, اس کا منشا یہی حقیقی منشا ہے اللہ کا. وہ ایسا نبی آیا اور اس کے بعد آواز آئی کہ محمد آئے, نبوت ختم ہوئی, اب پیغام نہیں آئے گا, اب کوئی خبر نہیں آئے گی. تو توحید کے عقیدے ہی میں یہ پنہا ہے, توحید کے عقیدے ہی میں یہ پنہا ہے. وہ ایک کہ جس کے نظام عادل میں یہ لازم ہے, وہ ایک جس کے نظام عادل میں یہ لازم ہے کہ مخلوق بے رہبر نہ رہے. اس ایک نے, وحدہ لا شریک نے اپنی کریم مصلحتوں کی بنا پر سلسلہ نبوت کا آغاز کیا, اور اتفاق سے یہ عجیب اس کی مصلحت تھی کہ ایک گھرانے کو چنا, ذریت آدم میں نوح, ذریت نوح میں ابراہیم, ذریت ابراہیم میں اسماعیل و اسرائیل, اسرائیل میں کچھ انبیاء, اور ذریت اسماعیل میں ختمی مرتبت. ایسا معلوم ہوا کہ ایک خاندان کو چن لیا گیا تھا کہ اس خاندان کو محترم کرتے جاؤ. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. ایک خاندان کو ابھارا ہے, ایک خاندان کو بلند کیا ہے, تو اب کوئی خدا پر خاندان پرستی کا الزام نہ لگا. ابراہیم کی اولاد, اور ابراہیم کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں, اسماعیل کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں. باپ بیٹے دونوں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک, پروردگار ہم دونوں کو دو مسلم بنا. یعقوب اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں, اسحاق اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں. انبیاء نے سب نے یہ طے کیا کہ ہم تسلیم کی منزل پر ہیں. اسلام بظاہر بعد میں آئے گا, مگر ان الدین عند اللہ الاسلام. دیکھیے یہ چیز ہے جس پر میں آپ کی توجہ کو منعطف کرنا چاہتا ہوں. اب آیت پڑھیے, شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم. اللہ کی اندیت میں جو دین ہے وہ اسلام ہے, اور کسی نے اختلاف نہیں کیا مگر ان کے, کتاب ان کے پاس آ گئی تھی, علم ان کو مل چکا تھا, مگر آپس کی مخالفتوں اور آپس کی بغاوتوں کا اثر دین پر پڑا, ورنہ دین مخالفت کے لیے ہے ہی نہیں. دیکھیے مستقلات اخلیہ کی کون مخالفت کرے گا, مستقلات اخلیہ کی کون مخالفت کرے گا, جو یونیورسل ٹروتس ہیں ان کی کون مخالفت کرے گا. تو دین کا کوئی مخالف نہیں ہے, بلکہ آپس کی مخالفت میں, ایک دوسرے کی لڑائی میں, اچھا تم اس کو مانتے ہو ہم نہیں مانتے, بس یہ ہوا. یہ ہوا, یہ سارا جھگڑا اسی بات پر ہے, تم نے ان کو مانا ہم نہیں مانتے. تو آپس کے جھگڑے ہیں,
वो अज़वात मुकद्दसा जिनके लिए ये झगड़े हैं वो हर झगड़े से बुलंद है। इस्लाम की मंजिल भी यही थी, इस्लाम की मंजिल भी यही थी कि बजात खुद इस्लाम मुस्तकिल्लात अक्लिया का मजमुआ है, उसमें कोई गुंजाइश किसी के लिए अदावत और बगावत की नहीं है। इन्नद्दीन इन्दल्लाहिल इस्लाम व मख्तलफल लजीन औतुल किताब इल्ला मिन बादे मा जाहुमुल इल्म बगयन बैनहुम। और यह तय है कि साहिबान किताब जिनको किताब दी जा चुकी थी उन्होंने अख्तलाफ नहीं किया, मगर ये कि इल्म के आ जाने के बाद, इल्म के आ जाने के बाद। तो अब हम इस मंजिल से भी आगे गुजर गए, मगर एक अम्र की तरफ मुतवज्जह करते हुए, वो ये कि तौहीद ही में वो निजाम आदल आता है जहां सिलसिला हिदायत आगे बढ़े, वो निजाम आदल आता है जहां सिलसिला हिदायत न रुके। शैतान की कोशिश ये है कि सिलसिला हिदायत मुनकता हो जाए, शैतान की कोशिश ये है कि कोई हादी सामने ना आए। वो खुदा को तो खुद जानता है, उसकी कुदरत को जानता है, उसकी खलाकियत को जानता है, उसके इल्म हयात का वो कायल है, उसको वो परस्तिश के काबिल समझता है। शैतान ने हजारों बरस अल्लाह को सजदा किया है, मगर एक हुक्म का इनकार और उस हुक्म का ताल्लुक एक इंसान से था कि जिसके लिए कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बना रहा हूं। शैतान ने इनकार कर दिया तो पहला झगड़ा, पहला हंगामा, पहला इख्तलाफ सिर्फ इसी बात पर हुआ कि तूने अपना इख्तदार उसको क्यों मुंतकिल किया, मुझे क्यों मुंतकिल नहीं किया। पहला झगड़ा इख्तदार इंतकाल पर है कि यह इख्तदार उधर कैसे जा रहा है। खलक्तनी मिन नारिन व खलक्तहु मिन तीन, मुझे आग से पैदा किया, उसको मिट्टी से पैदा किया, आग मिट्टी से अफजल है। हालांकि कुरान ने बतलाया कि यह फलसफा उसका गलत है। वो जाला मिन शजर अगजर नारा, अरे दरख्त से आग निकलती है, लकड़ियों से आग निकलती है, लकड़ी जमीन की पैदावार है, जमीन उसके लिए रूट है, इसलिए जमीन आग से अफजल है। ये तो बतलाना था अल्लाह को कि तूने गलत फैसला किया, तूने अपनी फजीलत पर जो सनद दी वो खुद मुहम्मल थी, वो दलील गलत थी। आग मिट्टी से अफजल नहीं है, मिट्टी आग से अफजल है, वो रूट है, वो असल है, वो काज है। बार सूरत झगड़ा उसको ये था कि ये इख्तदार कैसे मुंतकिल हो रहा है। सजदे से एतराज नहीं है, पेशानी को झुकाने से एतराज नहीं है, एतराज इसी बात पर है कि तूने जो कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, कि मैं जमीन में अपना खलीफा बना रहा हूं, तो ये इख्तदार उसको जो मुंतकिल हुआ, ये अगर मुझे मुंतकिल होता तो मैं तेरी परस्तिश करवाता, मैं तेरी बंदगी करवाता, मैं तेरी इबादत करवाता, मैं गोशे गोशे से तेरे हय्य क़य्यूम लम यज़ल ला यज़ाल होने का ऐलान करता, मगर जब तूने मुझे ठुकरा दिया है तो अब मुझे भी मोहलत दे, मैं इनको बहकाऊंगा। जाहिर है कि नबुव्वत इंतहाई इखलास के साथ, तवाज़ो के साथ, इनकसारी के साथ, सदाकत के साथ, दियानत के साथ आगे बढ़ेगी। और हिदायत का हमेशा यह तरीका रहा है कि जो दुश्मनी जिस तरह से भी हो जाए मगर दियानत और अदालत हाथ से न जाए, दियानत और अदालत हाथ से न जाए। मगर जो हिदायत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, मगर जो दीन और दियानत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, वो शरपसंदी पे भी आते हैं। वो चाहते ये हैं कि अवाम को भड़काएं, अवाम को एक ऐसी राह पर ले जाके डाल दें कि जहां से अवाम फिर वापस ना आ सकें और उनको रास्ता नजर ना आए। और भड़कते भड़कते दीन तो मिलता नहीं है मुखालिफत के लिए, फिर वो आपस ही में मुखालिफत शुरू कर देते हैं और उसका अंजाम खतरनाक होता है। यही वो वजह थी कि जहां शैतान ने भरोसा किया अपनी जात पर और अल्लाह से उसने वादा किया कि मैं सबको बहकाऊंगा, इरशाद हुआ कि अच्छा जाओ,
अच्छा जाओ इन्नका मिनल मुनज़रीन, तुमको हमने मोहलत दी, तुमको हमने मोहलत दी, कयामत तक मोहलत दी, मगर कयामत के दिन क्या करोगे? कयामत के दिन क्या करोगे? सूरह इब्राहिम, एक दिन तो जाना है ना। देखिए ये नजरिया तौहीद और अकीदा तौहीद का कमाल है, अगर मब्दा है तो माद है, अगर इब्तिदा है तो इंतहा है, अगर आगाज है तो अंजाम है, अगर अजल है तो अबद है, अगर खिलकत है तो कयामत है। तो आपने देखा कि अमल पे कंट्रोल कभी नहीं हो सकता जब तक कि कयामत पर अकीदा ना हो। जो कयामत ही को न माने वो जुल्म करे तो क्या, इस्तेबदाद करे तो क्या, किसी को लूट ले तो क्या, कोई रोक सकता है? नहीं, वो कयामत ही का कायल नहीं है। तो आपने देखा नजरिया तौहीद में सिलसिला हिदायत भी है, नबुव्वत भी है, अदल भी है, कयामत भी है, एक से एक तक। तो कयामत के मैदान में आना है, अब वहां क्या होगा? मुद्दत खत्म हो गई, मुद्दत खत्म हो गई, मोहलत खत्म हो गई। अब वहां पहुंचकर एक मर्तबा शैतान ने एक तवील तकरीर की अहले महशर को दे, अपने पूरे कारनामों को बयान किया और कहा देखो देखो इन्नल्लाह वादकुम वादल हक, सूरह इब्राहिम, अल्लाह ने जो वादा किया वो सच्चा, वो वादतुकुम वो अखलफतुकुम, और जो मैंने वादा किया वो झूठा। फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, आज मुझे मलामत ना करो, अपने नफ्सों को मलामत करो। मैंने तुमको पैदा नहीं किया था, मैंने तुमको बासिरा सामिया जायका लामेसा हासा ये ताकतें नहीं दी थी, मैं तुम्हारी रोजी का जिम्मेदार नहीं था, तुम क्यों आए, तुम क्यों आए, मेरी क्या खता है? फकत यही कि मैंने तुमको आवाज दी, दौड़ू तो कू फस्ता जब तुम ली, मैंने तुमको पुकारा, तुम दौड़ के मेरे पास आ गए। फलाओ तलूमूनी वलूम अनफुसकुम, अब अपने नफ्सों को मलामत करो, मुझे मलामत करो। माना बे मुसरकुम व मा अंतुम बे मुसरकिया, न आज तुम मेरे वली हो, न आज मैं तुम्हारा वली हूं, न आज तुम मुझे बचा सकते हो, न आज मैं तुमको बचा सकता हूं। शैतान ने फैसला दिया और आखिरे वक्त पे दिया, फैसला कुरान ने पहले ही से बतला दिया कि शैतान का फैसला ये है, शैतान का फैसला ये, वो तो कयामत में होने वाला है, मगर कुदरत की मरहमत देखो, पहले से फैसले को बतला के कहा देखो शैतान ये फैसला करने वाला है, अब तो खुदा परस्त बनो, अब तो रसूल के कहने पर चलो, अब तो रसूल की बातों को तस्लीम करो। तो बहरहाल पहली मंजिल इन आठ तकरीरों में यह थी कि अल्लाह सर आंखों पर दिलो दिमाग पर एक एक रगे हयात में एक एक नफस में अल्लाह एक है, मगर वो इकाई का तसव्वुर बेकार है अगर मोहम्मद नहीं है। और हतमी मर्तबत का तसव्वुर बेकार है अगर उनके अहकाम पर अमल नहीं है, अगर उनके अहकाम पर अमल नहीं है, अगर उनका एहतराम नहीं है, उनकी अजमत नहीं है, उनकी अजमत नहीं है। बादशाहों के दरबारों में जाने वाले बड़ी दूर से गर्दन झुका के जाते हैं, और खत्मी मर्तबत का नाम आ जाए तो इनके सर नहीं झुकते।
आप देख लीजिए, गौर कर लीजिए, किसी को आजमाना हो कि उसकी शराफत कितनी है, किसी को आजमाना हो कि शराफत कितनी है, तो एक मर्तबा कहिए मोहम्मद अगर सर झुके तो शरीफ है। वो शैतान का गुरूर तो नस्लन बादा नस्लन अब तक आ रहा है, ये पेशानी झुकती नहीं। आदम को तो सजदा करने को कहा था, मगर खत्मी मर्तबत का नाम आए तो जरा सा पेशानी तो झुके, वो सजदे का तालिब नहीं है, वो सजदे का तालिब नहीं है, मगर चाहती है मोहम्मद की आल कि हमारे जद का नाम लिया जाए तो दिल न झुके परवाह नहीं, मगर सर झुका के दूसरों को बतलाओ कि ये कौम जिंदा है। बहरहाल ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले एक तकरीर में यह भी हो चुका कि दुरूद को लाजिम जाने, दुरूद को नुस्खे हयात समझे, दुरूद से विलादत पाक होती है, तीनत में तहारत आती है, इन सलवातना अलैकुम व मा खसना बिही मिन विलायतकुम तीबन लखल्कना व तहारतन लअनफुसना व तस्कियतन लना व कफारतन लज़ुनूबना। जब हम तुम पर दुरूद भेजते हैं तो हमारी विलादत पाक होती है, हमारे नफस में तहारत आती है, हमारे गुनाहों का कफारा हो जाता है, हमारी बुराइयां दूर हो जाती हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अहमदी सिलसिले कलाम कहां तक पहुंचा, दुरूद के आखिर हिस्से तक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। क्या इख्तलाफ है मिल्लत को, सिर्फ यही ना कि अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, मगर नहीं, यह दुरूद बड़ा कामिल अकमल हो जाता है जिस वक्त आप ये कहते हैं वो अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता व बारकता अला इब्राहिम व आले इब्राहिम। यानी आपने मिसाल दे दी कि आले मोहम्मद को इसलिए नहीं पुकारते कि हम उनके तरफदार हैं। ये सारे मिल्लत इस्लामिया का दुरूद है कि अल्लाह दुरूद भेज मोहम्मद पर और उनकी आल पर, जैसे कि तूने रहमतों को नाजिल किया इब्राहिम पर और आले इब्राहिम पर। न वहां उम्मत है न यहां उम्मत है, न वहां उम्मत है न यहां उम्मत है। इन्नका हमीदुन मजीद, हम्द तेरे ही लिए है, मजद व किबरियाई तेरे लिए है। तो ए परवरदिगार रहमत को नाजिल कर इस घराने पर, यह घराना नबुव्वत का घराना है, यह घराना इमामत का घराना है। फकत यही नहीं है कि इब्राहिम हमेशा अपने घराने के लिए चाहते हैं जो कुछ चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह वो दिन याद है कि इब्राहिम को जब इमामत अता हुई थी तो बेअख्तियार आवाज आई इन्नी जाहिलो का लिन्ना से इमामा काल व मिन जुर्रियती, इब्राहिम हमने तुमको इमाम बनाया, तो मेरी जुर्रियत में भी है। आदम न कह सके थे इसलिए कि अभी ये
पुतला आबो गिल से तैयार नहीं हुआ था। इन्नी जाहिलुन फिल अर्द खलीफा कहा तो अभी आदम के होश न थे, मगर जब इब्राहिम को इमामत मिली तो इब्राहिम नबी भी थे, रसूल भी थे, सफी भी थे, खलील भी थे, अल्लाह के वली भी थे, मोहब्बत के दर्जों पर फाइज थे, साहिब शरीयत थे, साहिब रिसालत थे, साहिब किताब थे, होश था, सूझबूझ थी। कहा इतना बड़ा ओहदा, इतना जलील कद्र ओहदा, ये सिलसिले में जाएगा कि नहीं? वमिन ज़ुर्रियत, क्या मेरी ज़ुर्रियत में यह ओहदा जाएगा? قال الله ينال عهد الظالمين, कहा जालिमों को यह अहद नहीं मिलेगा। इमाम रिजा ने मामून के दरबार में कहा कि इस आयत ने बतला दिया कि कयामत तक इमामत जालिमों पर हराम है। तो आपने देखा यह वो मंजिल थी कि जहां आले मोहम्मद के साथ सारी मिल्लत ने आले इब्राहिम का तस्करा किया, और इब्राहिम ने कहा इमामत के मिलने के बाद वमिन ज़ुर्रियती, मगर दुनिया ये समझी कि शायद इब्राहिम इमामत के उन जलवों को देखकर बेचैन हो गए, औलाद के लिए मांगा नहीं। अगर आप कुरान पढ़ें तो पता चलेगा कि जहां इब्राहिम ये कहते हैं परवरदिगार वजनुबनी व बनिया नबुद अलसनाम, परवरदिगार मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा ले। इन्नहुन्ना अज़ल्लना कसीरन मिनन्नास, बुतों ने बहुत सों को तबाह कर दिया। फमन तबिअनी फहुवा मिन्नी, जो मेरी इबादत इत्तबा करे, जो मेरी पैरवी करे वो मुझसे है। वो मन आसानी, और जो मेरी मासियत करे, इन्नका गफूरुर रहीम, तू जो चाहे करे। उसने मेरी मासियत की है परवरदिगार, तेरा हुक्म तेरा फैसला। उसके बाद बेख्तियार कहा कि परवरदिगार इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रअ इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमु सलात फ़ज़अल अफ़ईदतन मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिन समरात लअल्लहुम यशकुरून। परवरदिगार मैं अपनी बादे ज़ुर्रियत को एक ऐसे बेआबो गाह मैदान में आबाद करना चाहता हूँ जहाँ ज़िराअत नहीं होती, फ़क़त इसलिए परवरदिगार के तेरी नमाज को कायम करें। और परवरदिगार क़ियाम सलात आसान नहीं है, बड़ी मुश्किलें झेलेगी मेरी ज़ुर्रियत। इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रअ, वहां खेती नहीं होती, वहां ज़राअत नहीं होती, वहां पानी नहीं मिलता, मगर मैंने अपनी ज़ुर्रियत को आबाद किया है। लियुक़ीमु सलात फ़ज़अल अफ़ईदतन मिनन नास तहवी इलैहिम, परवरदिगार दुनिया के क़ुलूब को उनकी तरफ मोड़ दे। वर्ज़ुक़हुम मिन समरात लअल्लहुम यशकुरून, उनको मेवों का और फलों का रिज़्क़ दे ताकि वो तेरा शुक्र अदा करें। दुआ इब्राहिम कबूल। अगर इमामत मांगी है ज़ुर्रियत के लिए तो यह भी दुआ किए कि परवरदिगार मेरी ज़ुर्रियत नमाज को कायम करे। अब नमाज को कायम करने में परवरदिगार मेरी ज़ुर्रियत पे जो गुजर जाए, अशहदु अन्नका क़द अक़मत सलात व अतैत ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहैत अनिल मुनकर व जाहदत फिल्लाह हक जिहाद। हुसैन, यह इमाम सादिक के इरशाद है, हुसैन तूने नमाज को कायम किया, तूने ज़कात दी, मारूफ का हुक्म दिया, बुराई से रोका, और जिहाद किया जो हक जिहाद करने का था। अभी अभी किसी से जरा सा, उमूमन ऐसा होता है कि इंसान बाद मसाइल पर गौर नहीं करता और दीनी मसाइल में गुफ्तगू हो जाती है और उसके नताइज मुनासिब नहीं निकलते। किसी ने अखबारात में यह लिख दिया कि करबला में हुसैन ने जिहाद नहीं किया,
और इमाम कहते हैं कि तूने जहाद किया जो हक जहाद करने का था। क्यों जहाद नहीं किया? कहां मुसलमान थे, कलमा गो थे। अमीर मोमिन की जियारत आप भूल गए? अमीर मोमिन की जियारत में कि मैं गवाही देता हूं कि तूने नाकिसीन से जहाद किया, मारकीन से जहाद किया, खासतीन से जहाद किया, जमल में जहाद किया, सिफीन में जहाद किया, नहरवान में जहाद किया। जहाद के माना ये है जद्दोजहद के साथ रहे हक की तरफ इंसान की जहन को मोड़ दिया था। यह कोई ऐसा मसला नहीं है जिसमें परेशानी हो, जिसमें परेशानी हो। मासूम जद्दोजहद नहीं करता फकत इसी हद तक जैसे कि आप हम जद्दोजहद करते हैं। वहां तलवार हाथ में थी, तलवार हाथ में थी, इसमें कोई शक नहीं कि हुसैन ने इब्तदा नहीं की थी जंग की, मगर जब हो गई इब्तदा तो जहाद है, जहाद है। और फिर कत्ल हुसैन के बाद भी कलमा गोई? अरे खुदा के लिए मिल्लत सोचे, कत्ल हुसैन के बाद भी कलमा गोई? ज़ैनब दरबदर फिरे फिर भी कलमा गोई? बहरहाल यह मसला याद रखने के काबिल है, मगर चूंकि गुफ्तगू छिड़ गई है इल्मी, इसलिए कुरान की आयत पढ़ना जरूरी है ताकि आपके दिलो दिमाग रोशन रहे। या युहन्नबियो जाहिदिल कुफार वल मुनाफिकीन। आए रसूल जिहाद करो काफिरों से और मुनाफिक से। काफिर वो जो इनकार कर दे, मुनाफिक वो जो गवाही दे कि तू अल्लाह का रसूल है मगर खुदा कहे कि ये झूठे हैं। आयत याद रहेगी, या अय्युहन नबियो जाहिदिल कुफार वल मुनाफिकीन। आए नबी जहाद करो कुफार से और मुनाफिकीन से। और मुनाफिकीन के लिए सूरा है, सूरा मुनाफिकून। इज़ा जाकल मुनाफिकून कालू नशहदु इन्नकल रसूलुल्लाह। मुनाफिक गवाही दे रहा है कि तू अल्लाह का रसूल है, कलमा और क्या है। वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलहु वलाकिन अल्लाह यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिक झूठे हैं। मगर नबी तुम लड़ो, तुम जिहाद करो काफिरों से और मुनाफिकीन से। तो बदर, ओहद, खंदक, खैबर, हुनैन, 87 गज़वात, पैगंबर की जिंदगी खत्म हो गई आधी आयत की तफसीर में। आधी आयत बाकी थी। انا ابو علي من نور واحد کہا کہ اب یہ کام تمہارے ذمے ہے۔ تو اسی لیے ملت اسلامیہ نے اللہ اس ملت کو دیر پا رکھے، اللہ اس ملت کی قوت کو باقی رکھے، اللہ اس ملت کے اتحاد کو باقی رکھے۔ اس ملت نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ علی نے اتنا خون کیوں بہایا جمل و صفین و نہروان میں۔ ملت یہی کہہ کے چپ ہو گئی، کرم اللہ وجہ۔
میں نے مسلسل آپ کو زحمت دی ہے, میں مسلسل آپ کو تکلیف دیتے ہوئے آج نمی تک یہاں تک میں پہنچ رہا ہوں. اب ایک مسئلہ جس کا میں نے کل وعدہ کیا تھا, اگر وہ سلسلہ بیان میں نہ آئے تو یقیناً تقصیر تشنا رہ جائے گی. یہ وہ منزل ہے کربلا کہ جہاں بے آب و گیاہ بستی میں یہ ذریت آباد. حسین نے جہاد کیا, حسین نے جہاد کیا, حسین اللہ کا بندہ, حسین حسین محمد کا نواسا, حسین حسین سجدہ گزار, حسین حسین زکات کا دینے والا, حسین حسین قرآن کا پڑھنے والا, سجدے تک یوں پڑھے نو کے نیزہ پر پڑھے. حسین حسین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا حسین, حسین جس نے بار بار یہ کہا کہ اگر میں نے شریعت میں کوئی تبدیلی کی مجھے ذبح کر ڈالو, مگر سبوں نے کہا نہیں آپ نے شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں کی. وہ حسین جس کی قربانی عظیم المرتبت قربانی اور جس کی یاد منانے کے لیے اتنا بڑا مجمع جمع ہوا ہے. یہ فقط یہ ہمارے فرقے کے مخصوص چند افراد نہیں ہیں, یہاں ملت اسلامیہ کا ہر فرق فرقہ نمائندگی کر رہا ہے. یہاں تمام کلمہ گو موجود ہیں اور سب میرے دوست ہیں, سب میرے عزیز ہیں. ان میں سے 20 حضرات کو میں جانتا ہوں کہ جن کا عقیدہ میرا عقیدہ نہیں ہے, مگر انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم سنیں بولنے والے کی زبان سے کہ حسین کا ذکر کیا ہوتا ہے اور لا الہ الا اللہ کے اعتبار سے کیا ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو تو حق ہے, لا الہ الا اللہ حق ہے. ہم اسی کو سجدہ کرتے ہیں, ہم اسی کو سجدہ کرتے ہیں. ملت سن لے, ہم نے علم کو سجدہ نہیں کیا, ہم نے ذریح کو سجدہ نہیں کیا, ہم نے تابوت کو سجدہ نہیں کیا, ہم نے ذوالجناح کی پرستش نہیں کی. یہ آثار ہیں جس سے قومیں پہچانی جاتی ہیں. دیکھیے ایک اثر صحیح ہے حدیث قرآن, ایک آپ کا عمل ہے جس سے ملت متفق ہو, اس کو شعار کہتے ہیں. قرآن میں کسی مقام پر نہیں ہے کہ مسجد کا مینار ہوں گے, قرآن میں کسی مقام پر نہیں ہے کہ جب مسجد بنے گی مینار ہوں گے, مگر آپ نے دیکھا کہ اگر مثلث بنا لیتے ہیں اور کوئی اجنبی مسلمان شہر میں آئے وہ کہے گا یہ تو گرجا ہے, یہ تو کلیسا ہے. اس لیے آپ نے کہا مسلمانوں کی پہچان کسی شہر میں میناروں کی مسجد, تو یہ ہماری پہچان علم. معبود نہیں ہے. یہ کیوں کہتے ہیں آپ یہ شرک ہے, یہ شرک ہے, یہ شرک ہے, یہ شرک ہے. ارے جہاں شائبہ بھی نہیں ہے وہاں فریب شرک, جہاں شائبہ بھی نہیں ہے وہاں فریب شرک. اور افسوس تو یہ ہے, افسوس تو یہ ہے کہ جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا حکم معبود پر اس کو تو کہا کافر. ابا واستکبر وہ کانا من الکافرین من المشرکین, نہیں اور ہم جو سوا
واحد قیوم لم یزل لا یزال کے کسی کو سجدہ جائز نہیں سمجھتا. ہم جس کی جن کی زندگی توحید کے اس جلال میں گزرتی ہے. ایک تو ہے اور یہ تیرے بندے ہیں, تیرے سامنے سجدہ, مگر ان بندوں کا احترام. یہ پیشانی اگر جھکے تو سجدے میں نہیں جھکتی ہے, یہ آنکھیں اگر جھکتی ہیں تو سجدے میں نہیں. احترام, یہ محمد ہے, یہ محمد کا گھرانہ ہے, یہ حسین ہے جس نے سر دے دیا, اسلام کو بچا لیا, جس نے ایک ظالم کو یہ سوچنے کا موقع دیا کہ مالی ولل حسین, مجھ کو حسین سے کیا کام. جس کی راتوں کی نیند اڑ گئی, خون میں جمود تھا, دولت سیال ہو گئی, جہاں یہ بتلایا کہ کس طرح سے ظالم کی نیند اڑ جاتی ہے, ظالم کا چین ختم ہو جاتا ہے. جب وہ ظلم کر چکتا ہے تو خود اس کو اس کا کیا ہوا ظلم آہستہ آہستہ سانپ کی طرح ڈستا ہے, اور پھر وہ آرام سے نہیں رہتا. ظلم کیا اور اس طرح سے کہ آج نوی محرم تھی, حسین ہر طرف سے گر گئے تھے. وہ امت تاسوعا فقد حسر علیہ السلام, نوی محرم کی حسین ہر طرف سے گر گئے. پانچویں کو میں نے علی اکبر کا ذکر کیا, چھٹی کو علی اصغر کا ذکر کیا, ساتویں کو حضرت قاسم کا ذکر آپ نے سنا, آٹھویں کو عباس کا ذکر ہوا, آج نوی آئی, آج میرا مولا اکیلا رہے. آج میرا مولا اکیلا رہ گیا, کیا کرے حسین. امام الناصر ینصرنا, کوئی ہے میری مدد کرنے والا. امام ضاب یضب عن حرم رسول اللہ, کوئی ہے مصیبتوں کو حرم رسول سے بچانے والا. لا الہ الا اللہ, مالک یہ تیری کبریائی, مالک یہ تیری عظمت, مالک یہ تیرا جلال, مالک یہ تیری جبروتیت, کہ جب تو چاہتا ہے اپنے کسی بندے کا امتحان لے تو اس شان سے امتحان لیتا ہے کہ کائنات میں جیسے تو خالق ہے ویسے وہ بندہ اکیلا ہو جاتا ہے. میں نے کیا کہا, اب وہ بندہ خدائی میں ایک ہے, ہزاروں جگہ ہزاروں ظلم سہی مگر کربلا نہیں. کربلا کچھ اور ہے. جب دیکھا کہ اب کوئی یاور و ناصر باقی نہیں رہا, خیمے کے قریب آئے, آواز دی, اے زینب و اے ام کلثوم, اے سکینہ اور اے رقیہ, تم سب کو حسین کا آخری سلام. شہزادیوں نے گھیر لیا, ایک ایک بی بی نے منت و سماجت کی, آقا نہ جائیے, مولا نہ جائیے. بے اختیار آپ نے کہا کہ زینب اب بھائی کو نہ روکو, زینب اب ہم اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد عابد بیمار کے پاس گئے, دیکھا امام بے ہوش ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی انیس کا بند کہیں پڑھا ہے, آج پھر یاد آیا. زینب سے کہا, کہنا عابد سے یہ پیغام میرا, باد سلام, غش تھے تم, پھر گئے دروازے تلک آ کے امام.
कैद में फंस के न घबराइयो तुम है गुलफाम, काटियो सब्र और रिजा से सफरे कूफा शाम। नाम मझधार में है जोर तला तुम जानो, ना खुदा जाता है घर जाने, बस अब तुम जानो। पैगाम दिया आवाज दी, हल मई यकदिम इलैया जवादी, कोई है मेरी सवारी का लाने वाला। जुलजनाह गर्दन डाले सामने आया, रिकाब का कोई थामने वाला न था, खेमे का पर्दा उठा, अली की बेटी बाहर। भाई सवार हो जाइए, अल्लाह के हवाले किया मगर सवारी ने चलने से इनकार किया, सर को झुका के इशारा किया, देखा छोटी बच्ची जुलजनाह के पांव से लिपटी हुई है और कहती है जुलजनाह मेरे बाप को न ले जा। उतर गए, बेटी को प्यार किया, का सकीना दईनी लाली आती के बिलमा, छोड़ो शायद मैं पानी लाऊं, शायद मैं पानी लाऊं, साहिबान औलाद का मजमा है ना, अल्लाह तुम्हारे बच्चों को खुश व खुर्रम रखे, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद रखे। मैं कल दुआ न कर सकूंगा, कल तो महशर का दिन है, मैं आज तुम्हारे लिए दुआ कर लूं, अल्लाह बेरोजगारों को रोजगार दिला दे, अल्लाह तुम्हारी औलाद को परवान चढ़ाए, अल्लाह सदके में सकीना के तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों की हिफाजत। बेटी को सीने से लगाया और जैसा कि मीरनीस कहते हैं, बेख्तियार का सकीना जाना है दूर, सबको जो आना ना हो इधर, जिद करके रोइयो ना, मुझे चाहती हो घर, पहले पहले आज शबे फुरकते पदर, सो रही हो माँ के जानू पा गुर्बत में रख के सर, राहत के दिन गुजर गए, ये फसल हो रहे, अब यूं बसर करो जो यतीमों का दौर। बेटी को खुदा हाफिज कहा, गुलजना आगे बढ़ा, रकाबे फरस में पांव को दबाकर जब पुश्त ज़ीन से बुलंद हुए तो भाई को भाई का लाशा लगा। एक मरतबा पुकार के कहा, अब्बास तुम्हारी जिंदगी में हम लड़ना नहीं चाहते मगर अब लड़ेंगे, ये कह के तलवार को फेंका। मैं मने पर हमला किया, मैं मने को ढकेल दिया, मैं सरे पर हमला किया, मैं सरे को ढकेल दिया, कल्ब पर हमला किया, कल्ब को महूने पर डाल दिया और कहते जाते थे बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह। तुमने देखी प्यासे की लड़ाई, तुमने देखी जिसका 18 बरस का लाल मरता है वो कैसे लड़ता, तुमने देखा जिसका 32 वर्ष का भाई मरता है वो किस तरह है। तलवार को नियाम में रखा, हुसैन जख्मी होते चले पुश्ते फरस पे झूमते चले, जंगल से आई फातिमा ज़हरा की है सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया वहां मोहम्मदा। इस वक्त कौन हक का रिफाकत करे अदा, है ये गहरे जख्म, ये आलम का मुक्तदा
1900 है जख्म, तने चाक चाक पर ज़ैनब निकाल। हुसैन तड़पता है खाक पर, पर्दा उलट के बिनते अली निकली नंगे सर, नंगे सर लड़ना कदम, खमीदा कमर गर्क खून जिगर। इस तरह से शहजादी आई और एक मकाम बुलंद पर पहुंची, बुलंद पर पहुंची, देखा भाई नजर नहीं आता, बस हो गई गुफ्तगू, भाई नजर नहीं आता, देखा भाई नजर नहीं आता। एक मरतबा दौड़ते हुए खेमे में आई, आप ने बीमार को चौंकाया, कहा बाबा नजर नहीं आते, बाबा नजर नहीं आते, कहा फूफी अम्मा मुझे जरा दरवाजे तक ले चलो, खेमे के दरवाजे तक ले चलो। फूफियों ने संभाला, आप ने बीमार आए, कहा पर्दा उठाओ, पर्दा उठाया, बाप को ढूंढने लगी आंखें। आप इधर बीमार ने देखा, जरा बुलंद होकर देखा, कहा सलाम अलैका बाबा सलाम। ज़ैनब ने कहा क्या देखा, कहा मेरे बाबा का दर्द रोके नहीं।